हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आमतौर पर फिल्म के बेस्ट सीन्स फिल्म मेकर्स हमको ट्रेलर में दिखा देते हैं एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। फिर फिल्म देखने जाएं तो पता चलता है कि बाकी सब देखने लायक है ही नहीं। क्या भोला में भी सेम चीज हुई है? डिटेल में सब डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जेन्युइन लेटेस्ट मूवी रिव्यूज लाते रहें। तो फ्रेंड्स, भोला तमिल फिल्म कैथी की हिंदी ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा हम तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक डोबियाल और गजराज राव को भी देखेंगे। फिल्म में हम देखते हैं इंस्पेक्टर डायना जोसेफ यानी तब्बू को। उसकी टीम कोकेन के बहुत बड़े कंसाइनमेंट को कन्फेस्टिकेट करती है और कुछ ड्रग्स स्मगलर्स को अरेस्ट कर लेती है। इसकी वजह से आशु यानी दीपक डोबरियाल जो उनका बॉस है, उन 5 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इनाम डिक्लेयर करता है। तो इस इनाम को पाने के लिए कुछ गुंडे एक हायर पुलिस ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी, जिसमें तब्बू और उसकी टीम भी है, उनकी ड्रिंक्स में जहर मिला देते हैं। तब्बू अपने मेडिकल कंडीशंस की वजह से ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन उसकी टीम की हालत बिगड़ने लगती है। खतरे में पड़ी तब्बू और उसकी टीम भोला को अभी जो जेल से रिहा हुआ है उससे अपने टीम मेंबर्स को सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाने की मदद मांगती है। कैसे भोला इन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा और रास्ते में आशु के हर अटैक का सामना करेगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी थिएटर्स में। फिल्म को डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने। मूवी अडॉप्ट करना कोई इनसेसिक्रेट, पूरी फिल्म की ट्रीटमेंट अलग दिख रही है। अजय देवगन कैथी की स्क्रिप्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए हैं। रियल मास एंटरटेनर बनाई है और वो ऑडियंस की रग रग से वाकिफ है। जितने अच्छे वो एक्टर हैं उतने ही अच्छे वो डायरेक्टर भी हैं, ये उन्होंने इस फिल्म से साबित कर दिया है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अजय देवगन ने, टी सीरीज ने, रिलायंस एंटरटेनमेंट के शिवाशीष सरकार ने और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स। पॉजिटिव्स की बात करें तो वो होगा भोला का कैरेक्टर। जॉन विक से कम नहीं लग रहे वो, अकेले पूरे उत्तर प्रदेश के गुंडों के ऊपर भारी पड़ गए हैं। उसके अलावा ज्यादातर रात के सीन्स होने के बावजूद सिनेमाटोग्राफर असीम बजाज ने विजुअल्स बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किए हैं और साउंड डिजाइनर ने फिल्म का साउंड भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। एडिटर धर्मेंद्र शर्मा की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि एडिटिंग एकदम क्रिस्प है। पहली बार किसी इंडियन फिल्म को 3D में देखने में इतना मजा आता है। जितने गूजबम्प्स वाले सीन्स ट्रेलर में थे, मूवी में उससे भी ज्यादा गूजबम्प्स वाले एक्शन सीन्स देखने को मिले हैं। जितने कड़क एक्शन सीन्स हैं उतने ही कड़क यानी अच्छी एक्टर्स की यहाँ इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस भी हैं। नेगेटिव्स तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक कुछ ज्यादा ही लाउड हो जाता है और वो थोड़ा इरिटेट करता है। कुछ एक्शन सीन्स में लॉ ऑफ फिजिक्स थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हो जाते हैं तो फेक लगता है। बाकी थोड़ी कमी लगी एक दमदार विलेन की जो भोला को टक्कर दे पाए। शायद नेक्स्ट पार्ट में हमको टक्कर का एक विलेन देखने को मिलेगा। फिल्म के एंड में एक बड़ा हिंट दिया गया है इस बारे में, आप देख लेना, हम यहाँ बता के सस्पेंस नहीं खोलेंगे। ओवरऑल शॉर्ट में कहें तो ये फिल्म पैसा वसूल है, थिएटर्स में चलेगी और प्लीज इसे 3D में ही देखने का ट्राई करना। सो वेल फ्रेंड्स, ये था भोला फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को अजय देवगन के फैन दोस्तों के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।